ये जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, ये 1100 रुद्राक्ष के जो मणिके हैं वो 1100 रुद्राक्ष हैं ये। जेड़ा ये आर्टिस्ट है इनू उपरों ही कोई इंट्यूशन आती है भगवान वालों, उस ना तो साड़ी कोई सुनता है, वो जो मन के आता उन्हूँ वो रूपरेखा दिंदा, रात को बना सारी सारी रात, वो कई दिन लगा रहा है। वो अपने तौर पर जाता कहता मैं सपन आता है, सपने में जो मैं प्रभु दसते हैं मैं उही रूप का स्वरूप बनवा दिना। सावन का महीना चल रहा वा, अज सोमवती अमावस्या भी हैगी, अज का दिन बहुत वड्डा दिन हैगा वा। सो अज मंदिरां दे विच खास भीड़ भी देखने मिल रही है क्योंकि अज सोमवार का दिन भी हैगा वा। सो बहुत सारे लोगों के वक्त है अज के दिन लोग जिहड़े ने मंदिरां दे विच पहुँच के जल अभिषेक भी कर रहे हैं। एक खास तस्वीर अज तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं, लुधियाणा के गीता माता मंदिर दे विच असीं मौजूद हैगे हां। सो इत्थे एक विशेष रूप तैयार किया गया वा, उज्जैन के महाकाल का इस रूप विशेष तैयार किया गया वा, इको फ्रेंडली सरूप हैगा वा। देख सकते हो रुद्राक्ष दीआं मालावां ने उपर एक सरूप विशेष तैयार किया गया, मिट्टी का सरूप हैगा वा। और सिर पर जो जटावान ने वो नारियल की बनाई गई ने, सिर पर चांद हैगा वा। सो अज मंत्र भी पढ़े जा रहे हैं, मंत्रा दे विच भीड़ भी देखने को मिल रही है, जल अभिषेक भी जिहड़े ने वड्डी तादाद विच श्रद्धालु इत्थे कर रहे हैं। तस्वीरां असीं तुहानूं अंदर मंदिर दीआं दिखा दिंदे आ। सो बहुत सारे लोग इत्थे मंदिरां दे विच पहुंचे ने, जल अभिषेक कर रहे हैं। अज का दिन बहुत वड्डा दिन अज हैगा वा, सोमवती अमावस्या का दिन भी अज हैगा वा। सो अज सावन का महीना भी चल रहा वा, सोमवार का दिन भी आ, बहुत सारे लोगों के अच्छ वर्त भी है। सो इस स्वरूप की हम खासियत दसेंगे, क्यों बनाया गया वा, किस चीज़ का बनाया गया वा, किन्ने दिन लगे ने। सो पंडित जी इतने मौजूद है, अज मंत्र भी किए जा रहे हैं, जाप हो रहे हैं। पंडित जी अज मंत्र हो रहे हैं, जाप हो रहे हैं, आज सोमवती अमावस्या का दिन है, सावन का महीना चल रहा है, सोमवार का दिन भी है, बहुत सारे लोगों के वर्त भी आज जल अभिषेक हो रहे हैं। स्वरूप की खासियत है, ये क्या स्वरूप है, कैसे तैयार किया गया है? ये इसमें जो है सबसे पहले तो ये जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, ये 1100 रुद्राक्ष के जो मणिके हैं वो 1100 रुद्राक्ष हैं ये, और 11 ही ये मालाएं हैं, 51 ये माला है। इन मालाओं के क्योंकि रुद्राक्ष आपको बताया, आप जानते हैं कि रुद्राक्ष जो है सबसे पवित्र है, और शिव जी का ही रुद्रमणि, शिव जी की आँख का ही ये प्रादुर्भाव हुआ था इसमें, मतलब जो निर्मित हुआ था रुद्राक्ष, तो शिव जी के नेत्रों से जो इसकी उत्पत्ति बताई है, इसलिए पवित्र है, दर्शनीय है। रुद्राक्ष को धारण करने से भी मन शांत होता है, मन में मजबूती आती है, आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। दूसरा आप देख रहे हैं ये जटाजूट जो है, ये जटा मतलब ये खोपा नारियल, नारियल की जो बाहर की जो जटा है उसके माध्यम से ये आप शिव जी के जो स्वरूप को जो देख रहे हैं, तो ये केश निखार जो केश जो बनाया है ये सब उस नारियल की जटाओं से बना हुआ, और ये निर्मित किया गया है 5 प्रकार की मिट्टी से, इसका जो है मिट्टी का स्वागत किया गया है और उससे निर्मित कराया गया है, कुशल कारीगर ने ये काम किया। तो कहने का मतलब है कि जो हम उज्जैन जाकर के जो दर्शन करते हैं, जो फल मिलता है उज्जैन के दर्शन करने से, वही फल हमको यहाँ पर गीता मंदिर में, विकास नगर में हम जो महाकाल के दर्शन करें वही फल हमको यहाँ पर भी मिलेगा। जैसा हमने बताया कि भगवान शंकर के माथे में जो क्या है, चंद्रमा है और सर्प भी है, सांपों की माला भी पहनते शंकर भगवान, तो ये अभिमान अहंकार का पतन है। लेकिन चंद्रमा का धारण करना चंद्रमा मन का प्रतीक है, इसलिए शांति सबके जीवन में चाहिए। सावन के महीने में इसीलिए जो है हमेशा सब्जी को जल चढ़ता है, लेकिन सावन के महीने में अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिव के दर्शन करते हैं और जल अभिषेक करते हैं, क्योंकि शिवधारा जल प्रिया, जलधारा शिवप्रिया ऐसा बताया गया है। शिव जी के दर्शन करने सावन के महीने में, ऊपर से आज सोमवती की अमावस, सोमवार का दिन, अमावस का दिन बहुत विशेष दिन है, पुराणों में वर्णित वो है, वर्णित है। इसलिए जो भी भक्त आज के दिन में श्री गीता मंदिर विकास नगर में या शिव जी के दर्शन करते हैं आज के दिन में, अवश्य वो अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। गीता मंदिर विकास नगर में ये हमारे मंदिर के महासचिव प्रदीप ढल जी ने ये अपनी एक भावना बनाई थी, और हम बात भी हमसे ये सलाह भी की थी कि भाई इस रूप में अगर पूजा की जाए इस बार, तो बहुत अच्छी बात थी और बहुत अच्छा सोचता, तो वो निर्मित कराया गया है प्रदीप जी के द्वारा, और आज उसकी पूजा लोग कर रहे हैं। और हमें तो 2-4 भक्त अभी पिछले सोमवार को जो लोग आए थे उन्होंने ये बताया था कि मेरे जो काम रुक रहे थे वो काम भी मेरे परिपूर्ण हो गए, मतलब उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। तो भगवान तो भावना के भूखे, जो भावना के साथ जुड़ता है शिव के साथ अवश्य उसका कल्याण होता है।
जिहड़े महाकाल नहीं जा सकते उज्जैन नहीं जा सकते उत्थे दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरां तुहानू असीं दिखा रहे हैं, खास स्वरूप जिहड़ा वा तैयार किया गया रुद्राक्ष दीआं माला ने, इको फ्रेंडली स्वरूप यह तैयार किया गया वा। इस दे विच पंज तरह की मिट्टी जिहड़ी आ उह पाई गई आ। इस तों इलावा सिर ते जो जटावां ने उह नारियल दीआं जिहड़ियां जटावां बनाईआं गईआं ने। चंद्रमा सिर ते विराजमान आ, नाग सिर ते विराजमान आ। प्रदीप जी, जिहड़े लोग उज्जैन नहीं जा सकते उहनां वास्ते खास प्रबंध किया गया लुधियाणा दे विच, स्वरूप बनाया गया वा। अज बहुत वड्डा दिन भी हैगा, सोमवती अमावस्या वा, सावन का महीना चल रहा, सोमवार का दिन हैगा वा। सो इस दिन की कहना चाहोगे? श्री गीता मंदिर विकास नगर के एक उपराला किया गया है कि इस बार महाकाल के दर्शन जोड़े है सारे श्रद्धालुओं को कराए जाए, जोड़े लोग नहीं उज्जैन जा सकते। या ये सारा जोड़ा है पंडित राजेश शर्मा ज्योतिषाचार्य है, उन्होंने ज्योतिष आधार के उत्ते भी यह मूर्ति का निर्माण किया गया। और उन्होंने कहने के मुताबिक कि जोड़ा भी श्रद्धालु इस मूर्ति के दर्शन करेगा वो जे विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, जिमें राहु केतु जोड़ा बुरा फल दे रहे हैं वो ठीक फल देंगे। तो इस प्रति साडा ये भाव सी कि सारे श्रद्धालु आके इन्हां दे दर्शन कर और अपनी मूह मंगी जिहड़ी है मनोकामना पूरी कर। ये जिहड़ी मूर्ति का अनावरण है ये साडे पंडित जगमोहन शर्मा जी ने किया सीगा, और इसका जिहड़ा निर्माण है निर्मित किया गया पंडित रामा पंडित है जिहड़े के बिहार तो ने, वो साडे विच आके हर साल मूर्तियां का निर्माण करते हैं। नवग्रह जदों नराते आते हैं माता दे रूप अलग अलग बनाते हैं, कभी वो रुद्राक्ष ना बनाते हैं, नारियल ना बनाते हैं, मोतियां ना बनाते हैं, सिप्पियां ना बनाते हैं, मुंगा होर इस तरह की चीज़ा ना बनाते हैं। तो साड़ी से यही इच्छा है कि सभी श्रद्धालु आके मंदिर के इस दर्शन कर, सारे शहर वासियों को खुला निमंत्रण साधन निमंत्रण है विनर निमंत्रण है कि आके इन्हें दर्शन कर और अपना जीवन का लाभ उठा। प्रदीप जी, कितने दिन यह स्वरूप तैयार कर दिया गया वा? मिट्टी कोई विशेष बाहरों भी मंगाई सी, कोई मंदिरों तो खास मिट्टी मंगाई गई है? जेड़ा ये आर्टिस्ट है इनू उपरों ही कोई इंट्यूशन आती है भगवान वालों, उस ना तो साड़ी कोई सुनता है वो जो मन के आता है उन्होंने वो रूपरेखा दिता है, रात को बनाता है सारी सारी रात, वो कई दिन लगा रहा है लेकिन दिन के कार्य नहीं करता, रात को कार्य करके वो अपने तौर पर जाता है। कहता मैं सपन आता है, सपने में जो मैं प्रभु दसते हैं मैं उही रूप का स्वरूप बनवा दिना। इको फ्रेंडली स्वरूप क्या जा रहा है कि इस मिट्टी या रंग जो इको फ्रेंडली है? इस बार एक परि प्रथा चली है भी सिद्धवा कनाल नूं साफ रखा जाए, नहरां नूं साफ रखा जाए, जिथे जिथे भी नहरी पानी है उहदे विच कोई गंदगी ना पाई जाए। इस दे प्रति साडी मंदिर कमेटी आलरेडी सिद्धवा कनाल दे प्रोजैक्ट नाल जुड़ी हुई है कि इहदे विच सफाई रखिए, और ब्राह्मणा नूं भी इह जिहड़ा प्रार्थना की गई है कि इहदे विच कोई भी ऐसा उपाय ना दसो जिहड़ा ज्योतिष आधार ते, ताकि नहर के विच कोई गंदगी फैले और नहर जिहड़ी है सुंदरता दी बनी रहे। तो बिल्कुल स्वरूप दे तुहानू दर्शन करा रहे हैं, गीता माता मंदिर दे विच असीं मौजूद हैगे हाँ, तस्वीरां तुहानू असीं नाल दी नाल दिखा रहे हैं। सो खास स्वरूप महाकाल जी का इत्थे बनाया गया वा उज्जैन, जो लोग नहीं जा सकते, सावन का महीना पवित्र महीना कहा जाता वा, मंदिरों दे विच खास भीड़ भी देखने को मिलती है। सो तस्वीर तुहानू असीं खास दिखा रहे हैं। सो अज के दिन लोग मंदिरों के पहुँचे ने, जल अभिषेक भी हो रहे हैं, अज सोमवती अमावस्या का दिन भी है। सो इतने कुछ शिव भक्त भी आए हैं, गलबात कर लें। सर अज मत्था टेकन आए हो, अज बहुत बड़ा दिन है सोमवती अमावस्या वा, सोमवार का दिन आ, सावन का महीना चल रहा वा, की कहना चाहोगे? महाकाल के दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत असीम कृपा है कि महाकाल का दर्शन हो रहा है, इससे बढ़िया और क्या है। इस सावन महीने में महाकाल के दर्शन हो गए, ये मंदिर की तरफ से जो भी है सर, इन्होंने जिसने भी किया बहुत अच्छा काम किया है, मैं धन्यवाद जी बहुत। सो बिल्कुल तस्वीरां ने इत्थे बहुत सारे शिव भक्त इत्थे पहुँचे ने, गलबात कर रहे हैं। सर जिवें कि गल कर रहे सी सावन का महीना पवित्र महीना हैगा वा, सोमवती अमावस्या का दिन हैगी आ, सोमवार का दिन हैगा वा, अज वर्त भी हैगे ने, जल अभिषेक हो रहे हैं, महाकाल के दर्शन भी हो रहे हैं नाल दी नाल। देखो जिहड़ा दिन है बहुत भाग्यशाली दिन है, और इस दिन महाकाल के दर्शन होने, वो दर्शन जिहड़े कि उज्जैन दे विच हुंदे ने, और जिहड़े लोग उज्जैन नहीं पहुँच सकते उन्होंने इत्थे दर्शन मिलने, मेरा ख्याल है कि सब तो वड्डे भाग्यशाली होंगे जिहड़े इत्थे आके दर्शन करनगे। और साड़ी यही है कि सब नूं सारे भक्तों नूं है कि वध तो वध आओ, दर्शन करो और अपने जीवन के कष्ट जिहड़े है उन्हां दा निवारण करो। सो बिल्कुल होर भी कुछ श्रद्धालु इत्थे पहुँचे ने, सर की कहना चाहोगे? अज दा दिन बहुत वड्डा दिन आ, सोमवती अमावस्या, सावन का महीना, सोमवार का दिन, महाकाल के दर्शन हो रहे नाल दी नाल। बिल्कुल जी हो रहे हैं जी, बहुत अच्छी गल है। और जो अजकल दी युवा पीढ़ी जिहड़ी साड़ी जा रही है जिथे, उन्होंने बिल्कुल मंदिर च आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए है, जो मंदिर की सेवा भावना करके जो अपन फीलिंग आती है वो संस्कृति को तोड़ना नहीं चाहिए, अगे दे अगे वधाना चाहिए। और अज का दिन बहुत वड्डा है, भोले बाबा की सेवा करो, अच्छे काम करिए, सोसाइटी के एक अच्छा मैसेज देके आप चलिए, एक यही चीज़ है जी। पंडित जी आज के दिन कोई जाप, कोई मंत्र सावन में कौन सा लोग जाप करें घर पर बैठ के, जो लोगों को कुछ मिल सके?
अलग अलग कामनाओं के लिए अलग पाठ है, जाप है, इसलिए स्वस्थ जीवन को व्यतीत करना है तो त्र्यंबकम जजामहि, ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मुखी महामृतात, ये महामृत्युंजय का जाप है। बहुत सुखों और सरल रूप में करना है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे सरल मंत्र है, छोटा मंत्र है, और कोई भी ओम नमः शिवाय का जाप करें। सो बिल्कुल तुसी ओम नमः शिवाय का जाप करके भी अपने जिहड़े दुख दूर कर सकते हो, प्राप्ति जिहड़ी आ उह कर सकते हो। सो तस्वीरां तुहानू असीं दिखा रहे हां महाकाल दे सरूप दीआं, गीता माता मंदिर दे विच असीं मौजूद हैगे हां। सो सरूप विशेष तैयार किया गया वा रुद्राक्ष दीआं 51 मालावां, 1100 जिहड़े रुद्राक्ष ने, इस तों इलावा 5 धातु मिट्टी का सरूप जिहड़ा खास तैयार किया गया। सिर ते जो जटावां ने वह नारियल दीआं जिहड़ियां जटावां बनाईआं गईआं ने, चंद्रमा विराजमान आ, नाग देवता जी जिहड़े विराजमान किए गए हैं। सो अज का दिन खास हैगा वा, अज बहुत वड्डा दिन हैगा वा, सोमवती अमावस्या हैगी आ, मंदिरां दे विच खास भीड़ देखण नूं मिल रही आ। अज का दिन सोमवार का दिन भी हैगा वा, सावन का पवित्र महीना भी चल रहा वा। कैमरामैन सरवान दे नाल नरेंद्र भेंदू, जगमैन टीवी लुधियाना।